हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू प्ले चेस। तो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ और वीडियो क्वालिटी, मेरा फ़ोन ज़्यादा वीडियो क्वालिटी को सपोर्ट नहीं करता और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो अगर मैंने कोई गलती की तो प्लीज़ फॉरगेट इट। तो इसी रचना में सारे हमारे पीसेस रहने चाहिए। तो ये रचना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आपके पास चेस बोर्ड हो तो आप चेस बोर्ड साथ ही लेके बैठिए, जिससे आपको आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सारा बोर्ड क्लियर करता हूँ क्योंकि मैं एक एक पीस का बताऊँगा वो कैसे चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फिर से शुरू करते हैं। तो पहली हम लेंगे क्वीन की। तो क्वीन हर एक प्लेयर के पास एक ही की होती है, जो अब यहाँ होती है। क्वीन के सामने हमेशा क्वीन होती है और मिडल स्क्वायर में होती है, और ये किंग के साइड में होती है। ये याद रखना, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रिज्यूम रिवाइंड करके। जो मैंने रचना की थी उसी तरह से आप अपने पास जो चेस बोर्ड है वह रचना कीजिए उसी तरीके से। तो ये हमेशा दो दो होती है हर एक प्लेयर के पास। तो क्वीन डायगोनली चल सकती है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं भी डायगोनली चल सकती है। तो मतलब ये अप डाउन साइड टू साइड। और एक बात, ये कभी भी जंप नहीं करती। मतलब आपको अगर यहाँ दूसरे, एक मिनट, ये बोर्ड एडिटर यूज़ करने का यही नुकसान है क्योंकि ये एडिट पूरा इसके बल पे चलता है। अगर हम यहाँ से यहाँ भी ले के जा सकते हैं, इसलिए बोर्ड एडिटर यूज़ करने का यही नुकसान है। तो गेट बैक ऑन पॉइंट। अगर आपको हमें इस क्वीन को मारना है तो आप डायरेक्टली इसको नहीं उड़ा सकते। मतलब बीच में प्यादा है तो लोग उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं ना। आप ऐसे जाके ऐसे मार सकते हो। आपको अगर इसको मारना है तो पहले आपको इसको मारना पड़ेगा, नेक्स्ट मूव में इसको मारना पड़ेगा। पर याद रखिएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्टली बीच में प्यादा है और आप डायरेक्टली जाके उसको मार दिए। और अगर आप इसको मारोगे तो हमेशा वो आपको मार देगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्वीन को हमेशा आपको रखना है। तो क्वीन कैसे चलती है? डायगोनली चलती है, अप डाउन चलती है, या मतलब हर जगह डायगोनली चलती है। और अगर क्वीन डायगोनली सिर्फ वाइट में चलती है, अगर आपको ब्लैक में डायगोनली चलाना है आपको मूव चेंज करके ब्लैक में चलाना होगा। और अप डाउन साइड बाय साइड ऐसे चलती है क्वीन। तो क्वीन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है चेस गेम में, तो ये आपको पता ही होगा। और अगर आपको, मैं कुछ रखता हूँ, तो ये अपोनेंट है हमारे, तो हम इनको कैसे मारेंगे? तो पहली बात, हमें पास वाला शिकार कौन सा है तो वहाँ जाना है। तो यहाँ रखते हैं अपनी क्वीन। पास वाला कौन सा है? यहाँ गए। एक मिनट में इसको एडिट करते हैं। अब अगला शिकार ये होगा, बाद में अगला शिकार ये होगा। तो ऐसे चलती है क्वीन। तो क्वीन का आपको पता चल ही गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा रुक। तो रुक हर एक प्लेयर के पास दो होते हैं। तो रुक की अगर आपने देखा होगा, पहली जो रचना थी हमारी उसमें रुक की जगह ये है। तो रुक इस जगह से कहीं भी नहीं हिलते, मतलब स्टार्टिंग में यही होने चाहिए और यही रहेंगे। तो अगर बाद में, अगर आपको देखा ही होगा, या ऐसे प्यादे लगे होते हैं, जो हर एक के पास अपने अपने रंग के प्यादे होते हैं, ऐसे प्यादे। तो हमको अगर रुक को अगर खुला करना है, मतलब एक्टिव करना है, तो आपको ये दो मूव करके यहाँ लेके यहाँ पे जाना पड़ेगा। मतलब कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं बता दूँ, रुक को भी जंप नहीं करवा सकते। अगर आपको इसको मारना है एक एग्जांपल के रूप में, अगर ये अपोनेंट का प्यादा है लेकिन आपको इसको मारना है, तो आप डायरेक्टली जंप करके इसको नहीं मार सकते। आपको पहले इसको मारना पड़ेगा, बाद में इसको मार सकते हैं। तो ये है रुक, जिसको हम हाथी कहते हैं। इट्स दैट क्लियर। और इसकी मूवमेंट मैं दिखाता हूँ। हर एक के पास दो होते हैं, तो इसके अप एंड डाउन साइड बाय साइड चलता है। अप एंड डाउन साइड बाय साइड, मतलब ये साइड से कहीं पे भी जा सकता है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको यहाँ मार
बीच में हुक है तो आपको यहाँ मारना है, तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, ये जंप नहीं करता। तो ये रुक का पॉइंट क्लियर हो गया। अब बिशप पे चलते हैं। बिशप की पोजीशन यहाँ होती है, तो बिशप की पोजीशन यहाँ होती है, यहाँ से नहीं हिलती, तो यहाँ होती है बिशप की पोजीशन। बिशप हमेशा डायगोनल चलता है, और ये एक बात याद रखना, बिशप अलग अलग कलर में होते हैं। तो एक मिनट में दिखा दूँ, आप देख सकते हो यहाँ अलग अलग कलर में बिशप है। यहाँ अब हो गया अलग अलग, अरे यार हाँ यहाँ है अलग अलग। तो डायगोनल चलते हैं, सिर्फ ऐसे डायगोनली मार सकते हैं, और ये भी प्याजों के ऊपर से जंप नहीं करते। तो इसका मैं बता दूँ ये कैसे करते हैं, तो अगर हमको मारना है तो पहला शिकार कौन सा है, प्यादा, बाद में घोड़ा, बाद में रुक। तो आपने देख ही लिया होगा कैसे चलता है रुक। और सबसे इंटरेस्टिंग है नाइट, तो ऐसे क्वीन सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद रुक इम्पोर्टेंट है, किंग को तो बात ही छोड़ो, किंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहले रुक इम्पोर्टेंट, हमने मतलब दूसरा रुक इम्पोर्टेंट है, पहले क्वीन इम्पोर्टेंट है, और इन सब का राजा तो ऑलवेज इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। तो नाइट तीसरे नंबर पे आता है इम्पोर्टेंस में, क्योंकि नाइट कैसे हमला करता है, अगर आपको यहाँ मारना है और बीच में ये दो प्यादे हैं या एक प्यादा है, तो तब भी आप इसको मार सकते हैं, क्योंकि ये ढाई घर चलता है। ढाई घर कैसे मैं आपको बताता हूँ, तो आपको गिनने के लिए बहुत सिंपल सी मेथड है। अगर ये हमारा नाइट व्हाइट में है, तो अगर ये किसी पे अटैक करेगा तो वो ब्लैक स्क्वायर होगा, मतलब अब देख सकते हो, 1 2 2 1/2, 1 2 2 1/2, 1 2 2 1/2। वैसे इस जगह पे भी, मतलब आप यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो, या फिर यहाँ से यहाँ, ये अगर पूरा खुला है तो ये एक्टिव, पूरी जगह से एक्टिव है, तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कॉलम्स तक आप ले सकते हो जब पूरा खुला होगा। मतलब आप देख सकते हो आपके पास 8 कॉलम की एक्वायरिंग जगह है, आप 8 कॉलम पे अगर कोई भी आएगा, इन शॉर्ट यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, बाद में फिर से यहाँ ये है, यहाँ ये और यहाँ ये है, तो आप को अटैक करते हुए कैसे करेंगे, पहले इसको ख़त्म, बाद में हम फिर से यहाँ, फिर से इसको ख़त्म, बाद में फिर से यहाँ, फिर से इसको ख़त्म किया, बाद में यहाँ, ऐसे। तो ये सिंपल सी हमारा क्नाइट का है, जो अब इसका यूज़ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जाके दुश्मन के ऊपर हमला करता है। आप मैंने बहुत बार, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ क्वीन लेने की, मैं चॉइस ऐसे रुक को यहाँ, अगर एक भी गैप, हमेशा कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जब किंग और क्वीन में गैप होता है, तो उसी का फ़ायदा उठा के अब देखिए, अगर मुझे क्वीन या किंग को मारना है, अगर आप किसी भी इन चारों में से किसी का भी सेक्रीफाइस करके, सेक्रीफाइस कह रहा हूँ, अगर आप किसी का भी बलिदान लेके दूसरे की क्वीन लेते हो, तो इट्स ऑलवेज ये, तो यही कहेंगे कि भाई साहब क्वीन बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस सिचुएशन में हम क्वीन लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें राजा मार देगा। तो अगर हमको लेनी है क्वीन, अब यहाँ जाएंगे, तो अब यह देखो, तो राजा को पड़ा चेक, यहाँ हो गई क्वीन। चेक के बारे में अभी मैं बता दूंगा, तो क्नाइट का आपने देख ही लिया होगा। तो अब क्नाइट के अटैकिंग देखते हैं, क्नाइट के अटैकिंग भी देख लिया हमने, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। तो अब बात आती है हमारे प्यादों पे। अब प्यादों की रचना मैं बता दूँ, और मैंने भूल गया कि मैंने क्नाइट की रचना बताई नहीं, तो ये होता है क्नाइट की, या हर एक के पास दो क्नाइट होते हैं, जो यहाँ होते हैं। हाँ यहाँ होते हैं, तो इन क्नाइट की जगह ये फिक्स है, गेम के स्टार्टिंग में यही रहेंगे। अगर आपके पास चेस बोर्ड है तो आप इनकी रचना याद रख लीजिए। तो
यहाँ रचना होती है इनकी। अब बात आती है इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे प्यादों की। तो प्यादे हर एक के पास आठ होते हैं। प्यादे यानी पॉन, घोड़ा यानी क्नाइट, ये क्नाइट है, ये पॉन है, ये बिशप है, ये रुके, ये ऑलवेज क्वीन क्वीन है और ये किंग है। तो भाई साहब राजा से ज़्यादा रानी उतर लिए, रानी बहुत कुछ कर सकती है, तो ये याद रखना। अब यार प्यादों मतलब पॉन की रचना मैं कर देता हूँ अभी। तो दोस्तों हमने ये रचना कर दी है, हर एक के पास आठ आठ पॉन होते हैं जो सेकेंड लेयर पे होते हैं। फर्स्ट लेयर में हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका अगर आप काम देखोगे तो भाई साहब चौक जाओगे आप लोग। एक मिनट मुझे इनको सीधा करने दो। हाँ ठीक है, सीधा हो गया है। तो ये चलते हैं, शुरुआत में ये दो घर चल सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक घर आगे बढ़ा लिया तो अब ये यहाँ नहीं जा सकते, अब ये एक एक घर चलेंगे। जो सेकंड लेयर है उससे आगे दो घर चल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको यहाँ बढ़ा दिया बाद में यहाँ नहीं जा सकते, अब ये दो घर नहीं, अब ये एक ही चल सकता है। या आपने शुरुआत में दो घर चल लिए, आप वापस दो घर नहीं चल सकते, आप एक ही के चल सकते हो, ये बात याद रखना। और सिचुएशन के अनुसार आप आगे बढ़ना, जो सिचुएशन है उसके स्वरूप में आगे बढ़ना। तो इनका काम यह है कि इससे आप एक जाल बना सकते हो सामने वाले के। तो यार बहुत से लोग ये जाल बनाते हैं, अच्छा है लेकिन इतना भी सफिशिएंट नहीं है। हाँ ये वैसे इस जाल की खास बात यह है कि अगर किसी ने भी गलती से भी हमारे पे इस प्यादे को उड़ा दिया, समझो इस पे, एक मिनट, अगर ये प्यादा यहाँ आया और इसको उड़ा दिया तो ये मारा जाएगा। तो ये बेसिकली ये ऐसी चाल खेलते हैं लोग, मतलब अलग अलग तरह के जाल है, आप मैं गिन नहीं पाऊँगा इतने जाल बना लेते हैं लोग। लेकिन इससे बचने का सीधा मतलब तरीका है, वो क्या है पता है? कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके आगे से ख़त्म करना। क्योंकि अगर ऐसा जाल बनता है तो आपके पास किंग बाहर जा सकती है, तो एक सॉरी क्वीन बाहर जा सकती है और बिशप भी बाहर जा सकते हैं। तो इसका सीधा फायदा उठाते हुए आपको टारगेट करना है इस लेयर पे, जो ये लेयर है, ये जो है ना ये लेयर, बेसिकली ये लेयर। तो जिस इसका सिंपल समाधान यही है। तो ये बहुत अच्छी चाल है, बट इतनी भी सफिशिएंट नहीं है। तो इससे जाल बनाने से अच्छा मैं ओपनिंग करता हूँ और अपने जो लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है, उसके हर एक प्यादे के लिए एक सेफ जोन बना देता हूँ। तो और एक बात प्यादों की, एक मिनट, अगर कोई प्यादा ऐसे चलते चलते यहाँ पहुँच जाए तो आपके पास चार ऑप्शन होते हैं। मतलब इससे आगे वो जा तो ऐसे भी नहीं सकता, आप सोचोगे यहाँ से गया और बाद में यहाँ से चल ले आएगा, तो ऐसा नहीं है, यही यहीं पे रहेगा, पर इसको बदलना कंपलसरी हो जाएगा। तो आप बदल किस में सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसका प्यादा है उसी में बदल सकते हो। मतलब आप वाइट कलर के हो और आपने ले लिया, भाई साहब मुझे ब्लैक का क्वीन, मुझे ब्लैक की क्वीन चाहिए, और बाद में एक बात बता दूँ, इन चारों में से कोई भी ले सकते हो आप, इन चारों में से एक ले सकते हो। मैं तो हमेशा क्वीन ही लेता हूँ, लेकिन अगर आपको क्नाइट की ज़रूरत है, अगर आपको सिर्फ डायगोनली जाने के लिए बिशप की ज़रूरत है, तो बिशप और रुक कौन लेता है यार, बिशप और रुक कौन लेगा अगर हमारे पास क्वीन होगी तो क्वीन इन दोनों का काम कर देती है। तो मैं हमेशा क्वीन ही रिकमेंड करता हूँ, और अगर कभी कभी क्नाइट, तो यही है सिंपल सा। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं और हमारे अब बारी है किंग की। ऐसा एडवांटेज हर एक के पास होता है। तो ठीक है, अब किंग की बारी। तो किंग की पोजीशन, अगर ब्लैक का किंग है तो वो वाइट में रहेगा, अगर वाइट का किंग है तो वो ब्लैक में रहेगा, और किंग हमेशा आमने सामने होते हैं। अगर आपको पता नहीं तो बता दूँ, किंग हमेशा आमने सामने होते हैं। तो यह है उनकी पोजीशन, रचना कह सकते हैं आप। तो ये बेसिकली इनका बस सिर्फ किन प्यादों पे होता है, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, या जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, तो ये इतना ही चल सकते हैं, इससे आगे एक भी कदम नहीं चल सकते। तो ये याद रखना, मतलब यहाँ जा सकते हैं, यहाँ 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 सिर्फ आठ घर चल सकते हैं।
किंग। तो किंग वैसे इतना भी प्रोटेक्ट बहुत मतलब प्रोटेक्टिव नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही होगा कि किंग हमेशा 8 घर चलते हैं, तो यार इतना भी खास नहीं होता, लेकिन उस पे ही तो गेम डिपेंड है, उसको ही तो बचाना है। तो यार चेक कैसे देते हैं, तो अगर हमने यहाँ देखो, यहाँ चेक है, चेक यानी आप इसका जो ये रुक है वो इसने पूरी पोजीशन एक्वायर कर ली है, तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, यह आ जाएगा तो हम यहाँ देंगे, फिर से आएगा, रिपीटेशन मूव कट ड्रॉ हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन खेल रहे हो तो रिपीटेशन मूव कट ड्रॉ नहीं। और चेक मेट क्या होता है, तो चेक मेट अगर ये देखो हमारे पास अगर 2 रुक है, तो 2 रुक है ये यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ इसको चेक है तो वो यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी चेक है ना, इस जगह पे भी चेक है क्योंकि यहाँ इसका एक्वायर है, तो ये यहाँ रहेगा, तो ये नीचे नहीं आ सकता, तो ये यहाँ जाएगा, तो बेसिकली मतलब टेढ़ा जाने की कोशिश करेगा। हमने यहाँ चेक दे दिया तो ये यहाँ जाएगा, बाद में हमने यहाँ हम नहीं दे सकते बिकॉज अगर हमने यहाँ दे दिया चेक इसको, तो ये अगर समझो यहाँ दे दिया तो इसने मार दिया, तो फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा हमें पड़ेगा, तो यहाँ चेक देने से अच्छा है हम क्या करेंगे, इसको देंगे ये यहाँ करेंगे, तो ये यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि उसको यहाँ जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ देंगे चेक, तो बाद में ये वापस यहाँ आ जाएगा, तो हमको सिर्फ यहाँ करना है, तो यहाँ ये नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ एक बार है और किसी को मार भी नहीं सकता क्योंकि उसके पीछे दूसरा रुक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, हमने गेम जीत लिए। सिंपल ये है होता है सेम चेकमेट, ऐसे 100 200 कितने भी तरीके हो सकते हैं चेकमेट करने के, आप सोच भी नहीं सकते इतने तरीके हो सकते हैं चेकमेट करने के, बहुत तरीके हैं जो मैं अपनी नई सीरीज टिप्स एंड ट्रिक्स में बता दूंगा। तो ये है कैसे चलते हैं, तो हम आपके सामने मैं इनको पोजीशन फिर से रख देता हूँ, तो इस तरीके से मैं पोजीशन रख रहा हूँ, तो पोजीशन रख दी है मैंने ऐसी, तो ये है सेकेंड लेयर ऑफ एक्वायरिंग स्पेस। तो हमारे पास हमेशा 16 घर अपने खुद के होते हैं, जो 16 घर हमने एक्वायर किए हुए ऐसे कह सकते हो आप, तो सिंपली आप आगे इनके भी सेकेंड लेयर बना देता हूँ, मैं आपको पोजीशन कैसे करते ये बता रहा हूँ, तो इनका सेकेंड हो गया, अब बाद में रुक की बारी, रुक भी रख दिए, बिशप की बारी, बिशप भी रख दिए, नाइट नाइट क्वीन और किंग, वैसे ही सेम यहाँ। यार ये बोर्ड एडिटर भाई साहब, अगर आपके पास कोई भी अच्छा बोर्ड एडिटर है तो यार कमेंट बिलो, अगर आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बिलो, मैं रख रहा हूँ इसको। किंग हमेशा अपोजिट कलर में रहता है वाइट के, किंग हमेशा ब्लैक में, ब्लैक का किंग हमेशा वाइट में, और मिडल 2 स्क्वायर में जो फर्स्ट लेयर के, तो बिशप रख देते हैं हम, बाद में एक नाइट, बाद में हमारे प्यारे, अरे यार मैंने गलती से क्या रख दिया, हमारा प्यारा रुक, तो मैं एक बार चेक कर लेता। तो बेसिकली हमने आपको पोजीशन बता दी है, और एक पोजीशन मैं बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है कि कैशलिंग कैसे करते हैं, जो इस अगली वीडियो में बता दूंगा, जो बोर्ड के बारे में जो कुछ फैक्ट्स और टिप्स एंड ट्रिक में एक दो मूव्स और बता दूंगा जो इस वीडियो की रह गई है, क्योंकि 18 मिनट की वीडियो हो गई है, अपलोड करने में बहुत डेटा जाने वाला है मेरा, तो बाय बाय गाइज, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी इसलिए मैंने बहुत मिस्टेक की होगी मुझे पता है, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी, और कमेंट नीचे कर दीजिए अगर आपको कैसे वीडियो चाहिए और क्या क्या चाहिए, चेकमेट कैसे करें इस पे चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक या ऑनलाइन गेम प्ले ऐसे बता दीजिए आप, तो उस पे मैं अगला कंटेंट बना दूंगा। स्टे सेफ, स्टे होम।